द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक वायरल बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। मोदी शाह को मानो सदमा लग गया है। खलबली इस कदर मची है कि तुरंत मीडिया को यह आदेश दिया गया कि मोहन भागवत के बयान की सच्चाई बताकर तुरंत प्रकाशित करें और खंडन कर दें कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो आज नहीं कह रहे हैं। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान यह वायरल है जिसमें वो कांग्रेस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस ने कितने बड़े बड़े नेता दिए और देश में राजनीति के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम कांग्रेस ने किया, इस बात को लेकर मोहन भागवत खुले तौर पर एक मंच से कहते नजर आए। हिंदुस्तान टाइम्स का यह क्लिप वायरल हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने जमकर शेयर किया और दिग्विजय सिंह ने भी इसे शेयर किया। जब कांग्रेस के हाथों हाथ यह वीडियो शेयर होने लगा और नरेंद्र मोदी अमित शाह से कहा जाने लगा कि आप इस मामले में जरा सोचिए कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। चूंकि यह बयान तब वायरल हो गया जब हाल ही में जेपी नड्डा ने यह बयान दिया कि आरएसएस की जरूरत अब भाजपा को नहीं है, भाजपा अपने दम पर अपने फैसले खुद लेती है, अपनी पार्टी को खुद आगे बढ़ाती है। गया वो जमाना अटल बिहारी वाजपेयी का जब आरएसएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ती थी। जेपी नड्डा के इस बयान ने कहीं ना कहीं आरएसएस को बीजेपी से अलग होने का सबूत देना शुरू किया और फिर यह भी साबित होने लगा कि आरएसएस को नरेंद्र मोदी अमित शाह ने लात मार दी है। बीजेपी आरएसएस की लड़ाई हो गई है, आरएसएस जो है अब अलग थलग संगठन बनकर रह गया, बीजेपी उनकी सुनती नहीं। और इसी बीच नहले पे दहला तब हो गया जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का यह बयान वायरल होने लगा जिसमें वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका इस देश के प्रति, कांग्रेस ने ही कितने महापुरुष दिए जिसका गुणगान आज भी करते हैं, उनके आदर्शों पर उनके विचारों पर आज हर पार्टी चलना भी चाहती है, फिर चाहे बात महात्मा गांधी की ही क्यों ना हो। अब ऐसे में यह बयान बीजेपी को मिर्ची लगा देने के लिए काफी है क्योंकि आगे अभी दो चरणों के चुनाव होंगे और उन चुनाव में इस बयान का असर पड़ सकता है। और नड्डा ने जिस तरीके से आरएसएस को बीजेपी से काट के अलग कर दिया है वो बयान भी इन्हें नुकसान कर सकता है। इस वजह से मीडिया में सच्चाई भी छपी है, दावे में जो पता चला है वो हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो हितेंद्र पिठाड़िया हैं और दिग्विजय सिंह, इन्होंने क्या स्टेटमेंट में ट्वीट में किया है जरा देखिए। लिखा गया है हितेंद्र के द्वारा कि पांचवें चरण के बाद आरएसएस के मोहन भागवत भी कांग्रेस की योगदान को याद करने लगे। मोदी जा रहा है, इंडिया की सरकार आ रही है। ये हितेंद्र साहब का बयान था। लगे हाथ आप दिग्विजय सिंह का भी बयान देख लीजिए, क्योंकि जब कांग्रेस के तरफ से यह शेयर होने लगता है तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो भी नहले पे दहले वाली स्थिति हमने इसलिए कही क्योंकि आरएसएस को अलग करने वाला बयान और मोहन भागवत का कांग्रेस के तारीफ में इतने अच्छे अच्छे शब्दों का कहना, वो आपस में कनेक्टेड हो जाता है जिसके चलते बीजेपी को तीखी मिर्ची लगी। दिग्विजय सिंह ने लिखा, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, कृपया आरएसएस के सरसंघ चालक जी के कांग्रेस के बारे में विचार अवश्य सुन लें। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया कहना बंद कर दीजिए। दिग्विजय सिंह ने जेपी नड्डा को भी टैग किया और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए यह कहने की कोशिश की कि जो बीजेपी चुनावी रैलियों में कहती है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें अब सरसंघ चालक के बयान को सुनना चाहिए। वैसे दुनिया को पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो सब देश को कांग्रेस ने ही दी, फिर चाहे मनरेगा की बात हो या फिर अलग अलग योजनाएं हो। अब जिस जनधन योजना की आप बात करते हैं वो बेसिक सेविंग अकाउंट्स योजना है जो कांग्रेस की विचार में था और इसे लागू करने ही वाले थे कांग्रेस वाले, तब तक सरकार बदल गई थी क्योंकि इन पर घोटाले के बहुत आरोप लगे और बाद में तमाम घोटाले जो है खारिज होते चले गए, फिर चाहे 2G स्कीम की बात हो या कोल स्कीम की बात हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार तब तक चली गई।
गरीबों के बारे में या फिर सूचना के अधिकार की बात करें, ये सारी चीजें तो कांग्रेस ने ही दी। अब ऐसे में जब मोहन भागवत का यह बयान वायरल हो गया तो उसके बाद हिंदुस्तान पर एक खबर छपी कि नहीं भैया, ये जो बयान है इस बयान पे मत जाइए, ये तो पुराना बयान है, नया बयान नहीं है। 2018 में आरएसएस के चीफ ने ऐसा कहा था, मान लीजिए कि 2018 में कहा था, लेकिन वो प्रासंगिक आज भी तो है। कांग्रेस के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे हैं, जो तारीफें की हैं, वो बदल तो नहीं जाएंगे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत के विचार बदल गए होंगे? जी नहीं। फिर भी चलिए हिंदुस्तान की रिपोर्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की कांग्रेस पार्टी की तारीफ, फिर से वायरल हुए पुराने बयान की सच्चाई जानिए। और लोग जो सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर रहे हैं, उनके बयानों को, अखबार के कटिंग को भी दिखाया जा रहा है। कोई चंदन यादव हैं, उन्होंने भी शेयर किया है कि ट्रेंड आने लगा है। अब रुझान यही है कि बीजेपी बहुमत से भी दूर हो रही है, जिसके चलते बीजेपी हर उस शब्दों को काटेगी जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है, हर उस माहौल को तोड़ने की कोशिश करेगी जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के बीच आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा कांग्रेस की प्रशंसा के नाम पर शेयर किए जा रहे इस दावे की पड़ताल के लिए हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है कीवर्ड्स को गूगल पर ढूंढा। इस प्रक्रिया में हमें यह जानकारी मिली कि यह खबर साल 2018 की है और इसमें उन्हें कई मीडिया वेबसाइट्स की खबरें भी मिली, मसलन एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी। इनका नाम के जिक्र करते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है कि इन तमाम मीडिया वेबसाइट्स द्वारा साल 2018 के सितंबर माह में प्रकाशित लेखों के अनुसार मोहन भागवत ने भविष्य का भारत भारतीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण नामक संगोष्ठी के दौरान देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान की बात की थी। उक्त कार्यक्रम का पूरा वीडियो देखा जा सकता है और यह वीडियो जो है वो आरएसएस के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, इसके लिंक यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं। अब यहीं पर जो सवाल पूछे गए थे इसी संगोष्ठी के दौरान, आरएसएस चीफ उस बात का जवाब भी दे रहे थे। यहाँ देखिए कहा गया है, बता दें कि इस संगोष्ठी के दौरान आरएसएस प्रमुख ने संघ द्वारा राजनीतिक दलों के समर्थन को लेकर पूछे गए प्रश्न का भी जवाब दिया। अपने जवाब में संघ प्रमुख ने कहा था कि संस्था किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती है। हालांकि भाजपा के संगठन महामंत्री या राष्ट्रीय महासचिव संगठन के संघ की पृष्ठभूमि से होने की अनिवार्यता को लेकर भागवत ने कहा था कि जो हमसे संगठन मंत्री की मांग करता है हम उसे देते हैं, क्योंकि आरएसएस जिस हिसाब से संगठन है, बीजेपी वाले कई बड़े नेता उसी से निकले हुए हैं, वो दरअसल बीजेपी के जड़ को मजबूत करने का काम आरएसएस का होता है और इसके बदले में बीजेपी को आरएसएस की विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए लोग अपनी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी में थोपेंगे जरूर, फिर चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर और भी बड़े नेता हो, संघ उन्हें प्रभावित करता है तो वो बीजेपी को प्रभावित करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम संघ से कन्नी काट लें, बीजेपी को बनाने का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी ही बीजेपी के उद्धारक के तौर पर जाने जाएं, आरएसएस की भूमिका इसमें जीरो हो जाए, और इसलिए भी शायद जेपी नड्डा ने इस तरीके का बयान देना शुरू किया। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ तो सफाई देनी पड़ गई। हिंदुस्तान ने लिखा है कि यह वीडियो पुराना है और इसे शेयर किया जा रहा है थोड़ा भ्रामक तरीके से, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि यह वीडियो आज का है। ये कांग्रेस के प्रति सोच जो है, दिग्विजय सिंह ने उसे ही शेयर करते हुए बताया कि आप जब कांग्रेस के बारे में कुछ भी बोलते हो तो जरा इस बयान को सुन लिया करो कि आपके जो बैकग्राउंड में सबसे बड़ा संगठन है वही कह रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।